नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी के बाद से अब आयोग लगातार सख्ती बरतते हुए कार्य को कर रहा है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इधर पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के ASP और SP से रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों के SP को कहा गया है कि वह सुरक्षा बलों की आवश्यकता का आकलन कर अपनी डिटेल रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। बताया जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच में करवाया जा सकता है। इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपना काम शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान बूथ पर पुलिस फोर्स की जरूरतों का आकलन करने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ पिछली बार हुए पंचायत चुनाव को आधार बनाया जा सकता है। जिला पुलिस ने पिछले चुनाव को आधार मानते हुए पुलिस बल की जरूरतों के आकलन की रिपोर्ट मांगी गई है। इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में अर्धसैनिक बल मिलने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले हुए पंचायत चुनाव में भी अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई थी। इसे देखते हुए इस बार पंचायत चुनाव में भी केंद्रीय बलों के मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव की पूरी जिम्मेवारी बिहार पुलिस और होमगार्ड के कंधों पर होगी। इधर पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस से न सिर्फ फोर्स को लेकर रिपोर्ट मांगी है बल्कि शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आपराधिक छवि वाले ऐसे लोग जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन पर निगरानी को कहा गया है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए थानों पर उनकी नियमित हाजिरी की भी बात कही गई है। पिछले पंचायत चुनाव का शेड्यूल लीक हो गया था जिसमें बिहार सरकार की काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित लीक होने के बाद से अब प्रस्ताव में नया बदलाव किया जा सकता है लेकिन वर्तमान में इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन हाँ, प्रस्ताव लीक करने वाले पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव का शेड्यूल कब जारी होता है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श मतदान केंद्रों का आकर्षक सजावट करने की बात कही गई है। साथ ही साथ महिला व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सुविधाएं दी जाने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही साथ आयोग ने यह भी कहा है कि सभी जिलों के आदर्श मतदान केंद्रों की पहचान करने के लिए भी पहले ही कहा गया है ताकि वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मतदान केंद्रों पर तैनात होने वाले मतदान कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वहां आने वाले सभी मतदाता मतदान के नए अनुभवों को अपने साथ लेकर जा सकें। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर करीब 1.14 लाख मतदान केंद्रों के गठन की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया सरकारी भवनों में ही की जाए। तो ये थी पंचायत चुनाव को लेकर नए अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।